व्हील जैसे लगते हैं, ये प्लास्टिक व्हील कवर है। बात करते हैं टायर साइज की, तो 185/65 R15 का स्टील रिम दिया गया है, 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है एंड साइड में क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में साइड ORVM मिल जाता है टर्न इंडिकेटर के साथ। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं आपको इसमें। एंड कुछ ऐसे देखने में आ जाते हैं इसके साइड लुक्स। ऊपर मैट ब्लैक फिनिश में रूफ रेल्स एंड रूफ माउंटेड एंटीना मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। वहीं चलते हैं आगे फ्रंट की तरफ, कुछ ऐसे देखने में आ जाता है इसका डोर। यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है इसके डोर पे, और ये पुराने टाइप में लॉक अनलॉक मिलते हैं। यहाँ पे डुअल टोन फिनिश, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स, सॉरी सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे ORVMs के कंट्रोल, यहाँ पे पावर विंडो एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलती है आपको। नीचे स्पीकर, ग्रिल और बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। और कुछ ऐसे देखने में आती है इसकी ड्राइवर सीट का लुक। यहाँ पे आपको सेपरेट हेडरेस्ट दिया गया है, 6-way मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है एंड फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री का यूज़ किया गया है। यहाँ पे लीवर दिए गए हैं सीट को एडजस्ट करने के लिए एंड हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है। यहाँ पे पेडल्स दिए गए हैं। वहीं चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं इसकी सेफ्टी की, तो इसमें आपको 4-star सेफ्टी रेटिंग मिलती है एंड 4 एयरबैग्स दिए गए हैं। वहीं स्टेयरिंग पे यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कंट्रोल, जो कि वहाँ टच स्क्रीन के कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे, एंड रेनो का लोगो मिल जाता है। एंड राइट साइड कुछ भी नहीं दिया गया है। और कुछ ऐसे देखने में आ जाता है इसका डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसकी रेनॉल्ट की हर गाड़ियों में आपको यही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे AC वेंट्स पे सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है एंड सेंटर डैशबोर्ड पे भी आपको ये एक्सटेंड होती हुई दिखती है सिल्वर फिनिश। सेफ्टी वाइज इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं विद ABS, EBD एंड ओवरस्पीड वार्निंग के साथ। 4-star ग्लोबल एनकैप रेटिंग स्कोर कर रखी है इसने। यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है विद इनबिल्ट नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ऑप्शन के साथ। 4 स्पीकर्स मिलते हैं। नीचे की तरफ हैजार्ड लैंप के लिए कंट्रोल, लॉक के लिए बटन एंड यहाँ पे डिफॉगर के लिए बटन दिया गया है। एंड नीचे यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए लीवर एंड टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लीवर मिल जाता है। वहीं नीचे की तरफ यहाँ पे स्पेस दी गई है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, इल्यूमिनेटेड स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। नीचे यहाँ पे भी स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। USB एंड ऑक्स का पोर्ट दिया गया है एंड ये है इसका इजी R5 गियर स्पीड।
रखी है। यहाँ पे पिलर पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड इसका डोर बहुत ही ज़्यादा खुल जाता है, वहीं कुछ ऐसे देखने में आ जाता है। इसके इंटीरियर कैबिन का लुक, यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट ऑप्शन दिया गया है विद फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ। यहाँ पे आप मिनी फ्रिज को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकेंड रो दोनों रो से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्पेस मिल जाता है आपको इसकी सेकेंड रो में। और कुछ ऐसे देखने में आता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, ऊपर की तरफ आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाती है येलो फिनिश में एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। एंड रियर में आपको थर्ड रो के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स प्लेस किए गए हैं, रूफ टॉप पे प्लेस किए गए हैं इसके थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स। एंड फ्रंट में भी आपको साइड में पिलर्स पे एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल मोस्ट प्रैक्टिकल, स्पेशियस एंड फीचर वाइज हर चीज़ में प्रैक्टिकल कार बनाई गई है रेनॉल्ट ट्राइबर। एंड 8 लाख रुपये की रेंज में आपको इतनी अच्छी एमयूवी कार मिल जाती है। वहीं चलते हैं पीछे की तरफ, तो कुछ ऐसे देखने में आता है इसका रियर लुक, और कुछ ऐसे दिखता है इसका रियर लुक। यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लैम्प्स दिए गए हैं, यहाँ पे हेलोजन टेल लैम्प मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर के साथ। वहीं नीचे की तरफ यहाँ पे इजी आर की ब्रांडिंग मिल जाती है, 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। वहीं चलते हैं सेंटर में, तो यहाँ पे आपको रेनो का लोगो एंड ट्राइबर की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे रियर वाइपर, डिफॉगर एंड ऊपर की तरफ हाई स्टॉप माउंट लैम्प एंड वॉशर भी दिया गया है। ऊपर मैट फिनिश में रूफ रेल्स भी दी गई है। एंड कुछ जब नीचे की तरफ यहाँ पे रेनो का लोगो मिल जाता है, रेनो की ब्रांडिंग दी गई है, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट एंड इसका स्पेयर टायर भी आपको नीचे ही मिलता है। वहीं करते हैं बूट की, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, बूट ओपन करने के लिए बटन एंड यहाँ पे रीडिंग लैम्प। वहीं चलते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आपको 625 लीटर का बूट स्पेस मिलता है थर्ड रो को फोल्ड करने के बाद। बाकी नीचे आपको सीट्स भी मिलती हैं थर्ड रो में, बाकी आप इसमें बहुत ज़्यादा ही स्पेस मिल जाता है आपको इसकी थर्ड रो में। यहाँ से आप सीट फोल्ड एंड अनफोल्ड इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं इसके गुड फीचर्स की, तो इसमें आपको एक्सेलेंट सिटी राइड क्वालिटी मिल जाती है, स्पेशियस कैबिन स्पेस एंड इम्प्रेसिव प्राइस एंड पैकेज मिलता है आपको इसमें। 2 ईयर 50,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ आती है ये एंड 4 डिफरेंट वेरियंट्स ऑफर करते हैं रेनॉल्ट ट्राइबर में, जो कि है RXE बेस वेरिएंट, RXL, RXT एंड RXZ। एंड वही बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 1 लीटर एनर्जी पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 71 BHP एंड 96 न्यूटन मीटर पावर का टॉर्क, 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर करती है ये। वैसे बात करते हैं इसकी सिटी ड्राइविंग के लिए, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल कार है, बट हाईवे पे ये थोड़ी सी अंडर पावर लगती है। बट इस प्राइस रेंज में, 8 लाख रुपए की प्राइस रेंज में आपको इतनी अच्छी स्पेशियस एंड फीचर लोडेड कार मिल जाती है, मतलब और क्या ही चाहिए। एंड एट लास्ट, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर।